जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के गांव छाछड़ी टीप का है, जो वहां के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि प्रधान की हिटलरशाही के चलते गांव वासी गंदे पानी में चलने फिरने को हुए मजबूर। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने तालाब में ग्राम प्रधान की मिली भगत से कूड़ा करकट डाला जा रहा है, जिससे तालाब का पानी ओवर हो गया है, जिसके चलते पानी आबादी क्षेत्र में घुस गया है। गाँव के एक हिस्से में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ग्राम प्रधान और प्रशासन के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव में गंदगी के कारण एक महिला बीमार हो गई है। लोगों का कहना है कि अगर पानी की जल्द निकासी नहीं हुई तो पूरे गांव में बीमारी फैलने का अंदेशा है। आज न्यूज चैनल के लिए तहसील चांदपुर से रिपोर्टर राधा रानी की रिपोर्ट। अनिता जी बताओ क्या परेशानी है? परेशानी यही है साहब, गंदा पानी है, फसल मरने को तैयार है, बीमारी चलने को तैयार है, और यहाँ ठिकाना बिल्कुल नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर रही सरकार। डीएम साहब से मिलोगे जाके? डीएम साहब से? अरे किसी के पास जाओगे भी आप नहीं भैया? बारह किलोमीटर तक हरिद्वार बोल रहा है क्या कहा? कहा है कि मतलब ऐसे ही पानी में निकलोगे, ऐसे कैसे निकल जाएंगे पानी में? बीमारी हो रही है, बीमारी है क्या? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बीमारी आ रही है।